उत्तर प्रदेश में मौनी अमावस्या के मौके पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। गुरुवार भोर से ही पवित्र नदियों के तट पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। संगम नगरी प्रयागराज हो, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी या फिर प्रभु राम की नगरी अयोध्या, हर जगह बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने और स्नान के साथ दान पुण्य करने का सिलसिला बना हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मौनी अमावस्या के अवसर पर प्रयागराज के संगम के साथ माघ मेला स्थल पर हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी कराई। गुरुवार को मौनी अमावस्या पर प्रदेश में नदियों के किनारे घाटों पर लोग पूर्ण डुबकी लगा रहे हैं। दिन के 10 बजे तक लाखों लोगों ने अब तक डुबकी लगा ली है। अमावस्या पर प्रयागराज के साथ ही हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर तथा फर्रुखाबाद में कल्पवास कर रहे लोग तड़के ही गंगा नदी में डुबकी लगा रहे हैं। इसके साथ ही वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर, कानपुर में भी लोग स्नान कर रहे हैं। प्रयागराज के विभिन्न अखाड़े अपनी परंपरा के अनुसार तड़के स्नान करते हैं। इसके साथ ही कल्पवास कर रहे लोग भी पूर्ण की डुबकी लगाते हैं। प्रयागराज के माघ मेले के तीसरे और सबसे बड़े स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर संगम तथा मेला क्षेत्र के अन्य गंगा घाटों पर जमकर डुबकी लगाई गई। यहाँ स्नानार्थी पूरी आस्था के साथ पूर्ण की डुबकी लगाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि मौनी अमावस्या का पावन अवसर है, सभी को पवित्र संगम में स्नान कर पूर्ण लाभ लेना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण हो, सभी कल्पवासियों की साधना सुगमता से पूर्ण हो। लोक आस्था के महापर्व मौनी अमावस्या की सभी श्रद्धालुओं व देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।